सब्जी व्यापारियों को लगातार परेशान करने वाले ठेकेदार अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार व्यापारियों को परेशान कर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर व्यापारी संघ ने नगर पालिका अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा और ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की मांग की। परासिया बाजार में व्यापारी संघ की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह ठेकेदार की अवैध वसूली है। जबकि नगर पालिका ने ठेकेदार को 10% बढ़ाकर बाजार का ठेका दिया था, फिर भी वो अपने मनमाने से बाजार के ठेके की दर बढ़ाकर वसूली कर रहा है, जिससे व्यापार संघ ने नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी को शिकायती ज्ञापन सौंपा है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। और साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि अवैध वसूली पर रोक नहीं लगाने पर साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया जाएगा। पूरा व्यापारी संघ, पराजिया बाजार का व्यापारी संघ मेरे पास आया था एक आवेदन लेके कि उनके साथ हमारे बाजार में ज्यादा वसूली होती है। मैंने सीएमओ साहब को कार्रवाई के लिए लिखा हूँ और संबंधित ठेका जो बाजार का ठेका जिनके पास, उनसे चर्चा किया, उनको बुलाया हूँ, क्या मामला है उसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी, व्यापारियों की निसंदेह सारी बात सुनी जाएगी। आज हम व्यापारी संघ, सब्जी व्यापारी संघ, जो अवैध ठेका मतलब अवैध वसूली हो रही है परासिया बाजार, साप्ताहिक बाजार बनता है, उसके थ्रू हम ज्ञापन देने आए थे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और परासिया थाना प्रभारी महोदय जी को, यह मतलब नोटिस देना चाह रहे हैं। जो अवैध वसूली हो रही है उसके लिए हमें कुछ 10% इन्होंने टैक्स बढ़ाया हुआ, तो हम 10% टैक्स बढ़ा के देने को तैयार हैं, लेकिन अब इनके मन मुताबिक टैक्स हम नहीं दे सकते, इसी के लिए हम सब सारे व्यापारी जन इकट्ठे होकर ज्ञापन देने जा रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।